नमस्कार। जैसा कि आपने आज देखा होगा, पूरे तहसील कार्यालयों में, पूरे सब तहसील कार्यालयों में, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जो अधिकारी हैं वो आज कैंडल लाइट वर्क कर रहे हैं अपने अपने कार्यालयों में बैठ करके। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमने काले बिल्ले लगाए, कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ा। हमने सामूहिक अवकाश भी लिया, 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हमने जो सामूहिक अवकाश अपना रखा, उसमें हमने सरकार को एक मैसेज दिया हुआ है। सरकार को हमने मैसेज कन्वे कर दिया कि अगर चाहें तहसीलदार, चाहें नायब तहसीलदार, चाहें हम राजस्व अधिकारी, चाहें पूरा राजस्व परिवार, पूरे प्रदेश भर में हम लोग कुछ भी अपना जो मांगे हैं उनको मरवाने के हमारे पास कई प्रकार हैं। लेकिन हमने ये देखा कि ये हथकंडे अपनाने से, ऐसा कुछ करने से प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश की जनता जो परेशान होती है, इस करके हमने फिर से आज अपना एक नज़रिया चेंज किया। फिर से हमने आज एक गांधीवादी नज़रिए से सरकार के प्रति हमने एक मतलब दिन में रोशनी दिखाने वाली बात जो हमने की है, तो वो एक तरीका हम आज अख्तियार करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में पिछले कल की अगर मैं बात करूं 26 सितंबर को 3000 पटवारखाने बंद थे, कितने कानून को भवन बंद थे, सारे के सारे अधिकारी नदारद पाए गए, सामूहिक अवकाश पर थे वो सारे के सारे तहसीलदार, सारे के सारे नायब तहसीलदार। तो दुख भी होता है, दुख भी होता है इस बारे में, लेकिन सरकार को अपनी मांगों के बारे में विचार करने के लिए, जो हमारी मूलभूत समस्याएं, हमारी गाड़ी की समस्या है, पदों के कोटे की बात है, हमारी चाहे वो कार्ड स्ट्रेंथ की बात है, हमें सुन ही नहीं रही है सरकार, हमारे साथ वार्ता करना ही नहीं चाह रही है सरकार। तो फिर क्या फायदा, फिर क्यों हम जाएं कानून और व्यवस्था की बात करने, क्यों जाएं फिर हम अपना अपनी मैजिस्ट्रेट दिखाने के लिए। हम यहाँ आए हुए हैं, मंदिर में मेला लगा हुआ है, रणदेवी टेम्पल में यहाँ मेला लगा हुआ है, कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। कानून और व्यवस्था के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी तो हम बतौर मैजिस्ट्रेट आए हो ना, तो क्या करना, क्या मैजिस्ट्रेट विदाउट व्हीकल्स, गाड़ियाँ तो है नहीं हमारे पास, कैसे हम अपने साथ जस्टिफाई करें इस बात को, नहीं चाहिए फिर हम ये कुछ भी। अगर आपने हमें गाड़ी नहीं देनी है तो फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्यों भेजते हो आप हमें, हड़ताल जहाँ होती वहाँ क्यों भेजते हो हमें, 4 लेन का रास्ता बंद होता क्यों भेजते हैं आप हमें वहाँ पे, हम जाते हैं हर जगह 4 लेन के रास्ते खुलवाते हैं, लोगों के साथ हम उलझते हैं, बिना गाड़ी के हम जा रहे हैं, सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं, बाढ़ग्रस्त होती, बाढ़ग्रस्त जो एरिया वहां हम जाते हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, हर जगह हम जाते हैं, जहां जहां हमारे उच्च अधिकारी हमको भेजते हैं हम हर जगह बिना गाड़ी के जाते हैं और अपना कर्तव्य पालन करते हैं। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने जिस प्रकार से अनुरोध किया है, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, हम अनुरोध ही नहीं कर रहे हैं, हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज ये जो आने वाला जो कैबिनेट है इसमें हमारी जो पुकार है, हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करें, ताकि हम सभी जो राजस्व अधिकारी हैं हमारा मनोबल बने, हमें सुविधाएं मिले, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हम लोग जनता के लिए काम कर सकें और जनता को एक अच्छा शासन जो है मिले। थैंक यू।